इसका मतलब यह है कि बागवत जी की परिभाषा में गृहस्थी होना माने सदगृहस्थ होना ज्यादा बड़ी बात है। वो साधु संतों के बारे में कहते हैं कि ये सिर्फ अपने दुखों के दूर करने के चक्कर में लगे हुए हैं, भगवान से इनकी जो वार्तालाप है या संवाद है वो अपने तक सीमित है, समाज के लिए सिर्फ प्रार्थना करके बंद कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ते। इसलिए वो कहते हैं कि आप अपने दुख दूर करें, दूसरों के दुख दूर करने के काम में सतत लगे, भले प्रयास आपका सफल हो ना हो, सफलता की बात वो नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि सफलता असफलता वो सब ईश्वर के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। आप अगर प्रयास कर रहे हैं तो पक्का मानिए कि आपकी मोक्ष में जाने की तैयारी है। ये है उनका सूत्र। यहां से उनकी एक दूसरी यात्रा शुरू होती है और इस यात्रा में वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख है दैहिक दुख, शरीर का दुख, दूसरा है दैविक दुख भगवान का, और तीसरा है भौतिक दुख। तो आपसे भौतिक दुख की बात करना मैं समझता हूं कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जिस वर्ग से आते हैं आपको भौतिक दुख तो मैं मानता हूं नहीं ही है, तो उस पर समय खराब करने से ज्यादा फायदा नहीं। आपसे जो सबसे ज्यादा मैं बात करूंगा, जिसकी जरूरत भी है आपको, वो दैहिक दुख के बारे में बात करूंगा, आपका शरीर, शरीर का दुख दूर कैसे करें। तो भागवत जी का सूत्र है, वो ये कहते हैं कि शरीर दुख दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका पेट। ये जो पेट है शरीर का मध्य भाग, वो ये कहते हैं कि शरीर का दुख दूर करने में सबसे बड़ी भूमिका इसकी है। अगर शरीर का पेट और बाकी अंगों के बारे में प्रतिशत के हिसाब से तुलना करें तो 90% दुख पेट से है,